वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। यशिता गुड मॉर्निंग, अबीर गुड मॉर्निंग, डॉक्टर हार्दिक गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जफर गुड मॉर्निंग, आयुष्मान गुड मॉर्निंग, यश अथीरा जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, चांदनी जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, यस भाविका, यस। टुडे विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट्स एनालिसिस ओवर हियर, ओके। सो प्लीज वेट एंड वॉच, एंड यू हैव टू ऑल्सो मेक द नोट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स ऑल्सो, ओके। यस दीपक गुड मॉर्निंग, जय हिंद, दानिश गुड मॉर्निंग, सिद्धार्थ, यस सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, यस यस यस, आई होप एम आई ऑडिबल ऑल्सो, एंड आई होप ऑल्सो द स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, ओके आंचल, ओके भावना जी, डॉक्टर एकता वेलकम, यस एकता जी, यस यस। सो लेट अस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वेलकम टू यू ऑल, ओके। टुडे विल डिस्कस अबाउट द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट्स एनालिसिस, सो दैट इज अबाउट द 4th September 2022। सो आप लोगों ने जिस तरीके से थंबनेल देखा है, सो नासा का मून मिशन जो है दैट इज कॉल्ड द आर्टिमिस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों चांद को फिर से खोजे जा रहा है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्लाइड देख लीजिए, वन मैन डाइज एंड एंटायर अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब वैनिशेज इन द ब्राजील। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, री डी जिनेरियो जो यहाँ की एक जगह है, वहाँ पर एक ब्राज़ील के तौर पर एक ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कहा है कि जो एक ट्राइबल कम्युनिटी थी उसका जो लास्ट पर्सन था वो उसकी 23 अगस्त को यहाँ पर देहांत हुआ है, यानी कि उसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, और यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ब्राज़ील के अंदर ऐसी कई सारी ऐसी ट्राइब्स जो है उसका यहाँ पर एक लौता, आप लोग जब ही गूगल में सर्च करेंगे कि लॉनलीनेस पर्सन इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, तो आप लोगों को ये फोटो देखने को मिल सकती है, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, 2018 के दौरान ये वीडियो वायरल हुआ था, पर अभी उसकी यहाँ पर डेथ हुई है और बॉडी मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। सो ऑफिशियल्स फ्रॉम द ब्राज़ील इन द डिग्नियस प्रोटेक्शन एजेंसी फ्यूनाई found the man's body on 23rd August during a patrol in the Tanuru indigenous territory in the state of the Ronaldinho. तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो जगह है रोनाडियोना, तो ये जो जगह है वहाँ पर इसका डेथ हुआ था और वहाँ पर उसकी बॉडी मिली थी। तो यहाँ पर इस आर्टिकल का आना यही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर जितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी जो ट्राइब्स है जो लुप्त होती देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब का मतलब ये है कि देश दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसने भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो यहाँ पर मेन जो पॉइंट है दैट इज अ पर्टिकुलर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। सो ब्राज़ील बट द एग्जिस्टिंग फॉर ऑफ ओनली 28 हैज कंफर्म्ड एज अ रिजल्ट द रिमेनिंग 86 ट्राइब्स डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट प्रोटेक्शंस, ठीक है। तो यहां पर प्रोटेक्शंस ना मिलने की वजह से बाद में गवर्नमेंट ने सोचा है कि अभी वो इनिशिएट करेगी, ठीक है, पर तब तक यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके की वारदात होती रहती है, ठीक है। सो 114 आइसोलेटेड यहां पर ग्रुप से जो ब्राज़ील के अंदर है, तो 114 ट्राइब्स जो है यहां पर ब्राजील के अंदर रहती है। तो मेन चीज आप लोगों को यहां पर इस आर्टिकल के अंदर यही जाननी है कि यहां पर डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ना तो सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षियों यानी कि एनिमल्स को तो डैमेज हो ही रहा है, पर साथ ही साथ इस तरीके की जो अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स जो है उसको भी यहाँ पर डैमेज हो ही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल, नैनो यूरिया फास्ट ट्रैस्ड अप्रूवल डिस्पाइट इनकम्प्लीट ट्रायल्स। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तो ये जो आर्टिकल है, ठीक है,
ये नैनो यूरिया से रिगार्डिंग है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और नैनो यूरिया एक ऐसी प्रोडक्ट है जो यहाँ पर नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जो भी सारी क्रॉप्स है उसको यहाँ पर नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ यूरिया की, ठीक है। सो थ्री सेशंस ऑफ द असेसमेंट बाय द ICAR, ICAR के बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर फुल फॉर्म ऑफ द ICAR एंड व्हाट इज़ अ रोल ऑफ द ICAR, जो यहाँ पर अप्रूव करता है, जो यूरिया है उसको अप्रूव करता है, फर्टिलाइजर जो है उसको अप्रूव करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। सो नैनो यूरिया अ प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय द इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, सो दैट इज कॉल्ड द इफको, ओके, एंड हैविली एडवर्टाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ पैनेक्सिया टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंसी ऑन द पैकेज्ड यूरिया इज येट टू बी फुल्ली टेस्टेड डिस्पाइट हैविंग बीन फास्ट ट्रैक फॉर द कॉमर्शियल एप्लीकेशन। तो सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत जो है, ठीक है, हमारा प्यारा सा भारत जो है, ये काफी हद तक फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करता है। तो हम लोगों ने ऐसा माना है कि 2025 तक हम लोग जो है खुद से अपना यूरिया बनाएंगे, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसका ये एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द नैनो यूरिया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो 45 किलोग्राम की एक बड़ी सी एक थैली आती है, ठीक है, 45 किलोग्राम की जो यूरिया की आती है, ठीक है, यहाँ पर 45 किलोग्राम की जो थैली है वो ये ही काम करेगी जिस जैसे 500 ml कि ये बॉटल काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि जितने छोटा पैक बड़ा धमाका जैसी बात हुई यहाँ पर, 45 किलोग्राम की जो यहाँ पर जितनी ताकत देगी यूरिया फर्टिलाइज़र, उतनी ही ताकत इन 500 ml की बोतल में मिल जाएगा, ठीक है। पर एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज़ का कहना ये है, ठीक है, उसके साइंटिस्ट का कहना ये है कि यहाँ पर आप बोतल को यूज़ करो, 500 ml की बोतल का तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, पर आपको सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करना होगा इस यूरिया फर्टिलाइज़र को, ठीक है। यहाँ पर 500 किलोग्राम की थैली को तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, पर आपको बाद में सेकंड स्टेज में टू गिव द प्रोटेक्शन टू द क्रॉप, ओके, 500 ml आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ICAR के बारे में, अभी ICAR एक्चुअली है क्या। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ICAR। सो ICAR इज नथिंग बट दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों हुआ था 16th जुलाई 1929 के दौरान हुआ था, और एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के अंदर, और यहाँ पर जो एक्ट है, सो दैट इज कॉल्ड द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत यहाँ पर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, और डेयर, ठीक है, डेयर आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था रिगार्डिंग दी CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर, एग्री डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, उसके अंडर ही ये पूरा का पूरा ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर है। यश आदर्श, राइट, डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। गाइज, दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जामिनेशन होती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेन्स एग्जामिनेशन के अंदर जो पेपर आते हैं GS 2 एंड GS 3 से, आप इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं उसको आप लोगों को याद रखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो है इनिशिएट किया है, उसको एंकरेज करने का काम किया है, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो दैट इज अबाउट द GS जनरल स्टडीज 3 GS 3 पेपर, ओके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। सो गाइस, आप उसके नीचे एक आर्टिकल देख सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डेफिसिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेड डेफिसिट, ये जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इम्पोर्ट जब भी बढ़ जाता है और जब भी एक्सपोर्ट कम हो जाता है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डेफिसिट। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, हम लोग ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, ठीक है, उसका हमें पैसा पे करना पड़ता है, और जो ज़्यादा चीज़ें हम लोग बेचेंगे तो हम लोग पैसा कमाएंगे, इज इट क्लियर। सो दैट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग कम रहे हैं और खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट, वेट, हाँ,
इम्पोर्ट ज़्यादा एंड एक्सपोर्ट जो है वो अगर कम रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ द ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, यहाँ पर ICAR के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ये भारत जो है ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को, ऑलमोस्ट 500 लाख मेट्रिक टन यहाँ पर हर साल फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। ये 10 साल का डेटा है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो सब्सिडीज़ के हिसाब से 62% जो है वो बजट का यहाँ पर अलोकेशन किया जाता है। यहाँ पर नॉन यूरिया जैसे कि मॉप है, डेप है, कॉम्प्लेक्स है, उसकी हर तरीके की वेराइटीज़ है जो कि कॉस्ट उसकी हायर है। अगर कॉस्ट हायर रहेगी तो फार्मर कैसे परचेस कर पाएंगे, फार्मर उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। सो गवर्नमेंट हैज टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द यूरिया कंजप्शन। ठीक है, तो यूरिया कंजप्ट करने का यहां पर गवर्नमेंट ने कई तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है कि यूरिया कम कंजप्ट किया जाए। पर ये चीज भी एक है कि अगर यूरिया हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर नाइट्रोजन अगर क्रॉप को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। साथ ही साथ यहां पर जैसे कि इस यूरिया का नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में भी काफी हद तक यूज किया जाता है, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया टू रिड्यूस इलीगल डाइवर्जन ऑफ द यूरिया फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मिल्क है, ठीक है, यूरिया जो है जिसके अंदर नाइट्रोजन है उसका एक केमिकल आता है जिसका वाइट जैसे मिल्क जैसा होता है वैसा ये केमिकल होता है। तो वहाँ पर मिल्क की मिलावट के अंदर, दूध की मिलावट के अंदर भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जो कि काफ़ी हद तक हैजार्डियस है और इलीगल भी माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको स्टेटिक जीके से बता सकता हूँ। द फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो कि गुजरात के कलोल में बना हुआ है। सो दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात के कौन से जगह पर यहाँ पर LNU प्लांट, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो है वो बिल्डअप किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो यहाँ पर 2018-19 और 2020-21 की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो भारत का जो इंपोर्ट है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 8% तक बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि 2025 तक यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि भारत जो है खुद से एक यहाँ पर अपना प्लांट बनाएगा और अपने आप से यूरिया को डेवलप करने की कोशिश करेगा। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। सो दैट इज अबाउट द न्यू लुक राजपथ टू बी इनॉग्रेटेड ऑन 8 सितंबर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने लाइव लेक्चर के अंदर काफ़ी हद तक बात की है, ऑनलाइन लेक्चर एंड ऑफलाइन लेक्चर ऑल्सो। तो ये चीज़ आप पर आपको याद रखनी है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअली। तो पूरे के पूरे राजपथ को यहाँ पर एक नया लुक दिया जा रहा है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। यहां पर आप उसका फोटो देख सकते हैं। सो दैट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा। तो यहां पर ये जो है पूरी की पूरी हमारी जो पार्लियामेंट है ये काफी हद तक पुरानी है। तो ये जो चीज आप देख सकते हैं, सो दैट इज अ ओल्ड एंड दैट इज अ न्यू वर्जन रिगार्डिंग द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली है क्या। सो प्लान टू रीडेवलप दैन 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू द इंडिया गेट। जहां पर जैसे मैंने कहा कि ये जो सर्कल है ये पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ठीक है, जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, सो दैट इज अ पर्टिकुलर सर्कल ओवर हियर, तो दैट इज अ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। पर उसके पास यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जी, ये ट्रायंगल पोर्शन में है, सो दैट इज़ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बिल्डअप किया जा सकता है। उसके आगे अगर हम लोग यहाँ पर आए, सो दैट इज़ अ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जहाँ पर उसकी ऑफिसेज होंगी। यहाँ पर PM साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो ऑफिसेज होगी और उसके जो रेसिडेंस होंगे वो इस जगह पर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और PMO की नई बिल्डिंग इस तरीके से यहाँ पर बिल्डअप की जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर डिज़ाइनर्स भी पूछे जा सकते हैं कि किस भाई साहब ने कौन सी चीज डिजाइन की थी, पार्लियामेंट किसने डिज़ाइन किया था, राष्ट्रपति भवन किसने डिज़ाइन किया था, सेक्रेटरीट किसने डिज़ाइन किया था, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक किसने डिज़ाइन किया था। सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग द GS स्टडीज़ 1। ओके, जनरल स्टडीज़ 1 का जो पेपर आता है जहां पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि डिज़ाइनर्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये सेंट्रल विस्टा जो है उसको अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को। और 2019 के अंदर इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था।
था इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएगी, जैसे कि ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया दैट इज अ ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग, सो दैट इज अ ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है, जो नेक्स्ट टू ओल्ड बिल्डिंग है, ठीक है। आफ्टर दैट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट होंगे, रिवैम्पिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर 3 किलोमीटर राजपथ ओवर हियर, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो है सो दैट इज अ रिपर्पज्ड एज अ म्यूजियम, उसको म्यूजियम तरीके तौर पर बिल्डअप किया जाएगा। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसको डिजाइन किया गया है लुथियंस एंड द बैकर के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को स्टेटिक जगह के तौर पर यह चीज याद रखनी है कि पार्लियामेंट की जो हाउस बिल्डिंग है किसने डिजाइन की है, बैकर भाई साहब ने और लुथियंस ने, ठीक है। राष्ट्रपति भवन दैट इज डिजाइन बाय द एडविन, ये CDS की एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, तो स्टैटिक जीके के हिसाब से याद रख सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो सेक्रेटरीट व्हिच इंक्लूड्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक वाज डिजाइन बाय द हर्बर्ट बैकर, ओके, तो ये चीज भी याद रख सकते हैं। तो यहां पर ये 4 पॉइंट्स अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, ओके। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो यहां पर आज का जो थंबनेल है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर आर्टेमिस जो मिशन है, आर्टेमिस मिशन जो है वो नासा के थ्रू लॉन्च किया गया है, उसका पहले यहां पर मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूं, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नासा'स मिशन, ओके, यस, सो दैट इज द पर्टिकुलर आर्टिकल फ्रॉम द 4 September हिंदू न्यूज पेपर ओवर हियर, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज, नासा पुट्स ऑफ आर्टेमिस मून रॉकेट लॉन्च फॉर सेकेंड टाइम। तो दोस्तों अपोलो मिशन, ठीक है, जो अपोलो मिशन जो है नासा के थ्रू कंडक्ट किया गया था, जहां से चंद्र पर भेजने के लिए ये मिशन बिल्डअप किया गया था, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग भाई साहब जो थे वो गए थे। तो ये पहला मिशन था चंद्रमा के ऊपर जाने का, ठीक है, नासा का। पर दूसरी बार ये जो मिशन किया गया है, सो दैट इज कॉल्ड द आर्टेमिस मून मिशन, पर यहां पर बहुत सारे कंट्रीज जो है इसकी आलोचना यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप न्यूज देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि व्हाई अदर कंट्रीज क्रिटिसाइज दिस नासा। नासाज न्यू मिशन रॉकेट स्प्रैंग अनदर डेंजरस फ्यूल लीक ऑन सैटरडे, फोर्सिंग लॉन्च कंट्रोलर्स टू कॉल ऑफ देयर सेकंड अटेम्प्ट टू सेंड अ क्रू कैप्सूल इनटू लूनर ऑर्बिट विद टेस्ट डमीज, ठीक है। तो टेस्ट डमीज के साथ यहां पर लॉन्च करने वाले थे सितंबर महीने के अंदर ही, पर यहां पर उसके जो बूस्टर्स है, ठीक है, रॉकेट के बूस्टर्स है, वहां पर उसका फ्यूल लीकेज स्टार्ट हो गया, इसके लिए यहां पर इस मिशन को अभी स्थगित रखा गया है, उसको पेंडिंग रखा गया है, और अभी लॉन्च करेंगे अक्टूबर में, उसको शेड्यूल किया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो क्रिटिसिज्म का पॉइंट यहां पर यह है कि एक बार तो आप पहले जा चुके हैं, ठीक है, अगर आपने अगर कोई काम किया है, ठीक है, तो दूसरी बार वो काम करने में एक तो टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सपर्टीज आ जाती है दूसरी बार करोगे तो। तो यहां पर क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि अगर आप पहली बार जा चुके हैं तो दूसरी बार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो यह चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। पर आर्टेमिस मिशन के बारे में आपकी एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द नासाज मून मिशन। सो ये जो लॉन्च पैड है 39B एट कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, ठीक है। अभी बात करते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में ही। सो क्या है आर्टेमिस मून मिशन, 53 साल यानी कि 53 years के बाद इस मिशन को फिर से लॉन्च किया जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड द आर्टेमिस। के यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी की जा रही है नासा के थ्रू, और साथ ही साथ यहां पर अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, यहां पर अंतरिक्ष यात्री को नहीं भेजा जाएगा। यहां पर अंतरिक्ष यात्रियों का लक्ष्य यही है कि चांद के आसपास उसके जो हालात है क्या वो ठीक है या नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो चंद्र के ऊपर जो पानी है या ऐसे ही जो
मेडल्स वगैरह है उसकी खोज करने के लिए ये इसको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। साथ ही क्या एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकेंगे या नहीं, तो ये उसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि चंद्र के आसपास उसके मून के आसपास उसके हालात क्या है, दूसरी ओर मून से वापस हम लोग क्या सुरक्षित पृथ्वी के ऊपर आ सकते हैं, लौट सकते हैं, और तीसरा वहाँ पर पानी की मात्रा कितनी है और कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसका यहाँ पर देख रेख रखने का काम इस मून मिशन का है, ठीक है। ये जो मून मिशन है, ठीक है, सो दैट इज अ स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट SLS के थ्रू इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे, तो यहां पर ये जो कैप्सूल है, सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर कैप्सूल ओवर हियर, वेट, यस यू कैन सी दिस पर्टिकुलर कैप्सूल ओवर हियर। तो यहाँ पर एक कैप्सूल आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर एक कैप्सूल होगी जिसके अंदर यहाँ पर लोग बैठते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं, ये दैट इज़ अ पर्टिकुलर बूस्टर ओवर हियर। और जैसे मैंने कहा था कि पृथ्वी का ये जो चक्कर काटेगा पहले इस तरीके से, दैट इज़ अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ दिस वन, ओके, उसके बाद यहाँ पर कैप्सूल अलग होकर इस पाथ में जाएगा, चंद्र के एक चक्कर काटेगा, उसके बाद यहाँ पर दूसरा चक्कर काटकर, तीसरा चक्कर काटकर यहाँ पर वापस लौटने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो लगभग 42 दिनों में ये मिशन पूरा करेगी आर्टिमिस वन फ्लाइट, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। चांद से 64,374 किलोमीटर के आगे जाएगा स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। SLS जैसे मैंने कहा था, SLS का मतलब क्या है, स्पेस लॉन्च सिस्टम है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये। इसके दोनों तरफ 54 मीटर लंबे दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर, सो दैट इज अ पर्टिकुलर सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ओके, वो लगे हैं। इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, सो हाइट जो है 322 फीट की पूरी की पूरी रॉकेट की हाइट है, यहां पर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और इसके अंदर 24.4 लाख जो है लिक्विड हाइड्रोजन जो है, लिक्विड हाइड्रोजन जो है उसको इंक्लूड किया गया है, और 89,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन, ओके, लिक्विड ऑक्सीजन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमारा मून मिशन है वो कितने दिन में ख़त्म होगा। ये मिशन 42 दिन 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का है, जिसके बाद ये धरती पर वापस आ जाएगा। स्पेसक्राफ्ट कुल 20,92,147 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस मून मिशन का, कि फिर से यहाँ पर नासा क्यों भेज रही है। सो देर आर दी थ्री पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, ओके। लेट अस डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट वन। दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि ड्रग के बारे में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है, you can see this particular article from this one, okay, yes, so step up efforts to tackle drug menace, Amit Shah ji ne yahan par drug जो सर्कुलेट होता है उसके ऊपर कंट्रोल करने की यहाँ पर बात की गई है कि ड्रग प्रोडक्शन ना किया जाए, साथ ही साथ ड्रग के जो ट्रांसपोर्टर्स है उसके ऊपर अच्छी तरीके से वॉच रखी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह एंड अदर डेलीगेट्स ने ये चीज़ कही है, और 13 सदन जोनल काउंसिल मीटिंग बिठाई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। पर यहाँ पर ये जो चेयरिंग मीटिंग बिठाई गई है, सो दैट इज़ अ 30th सदन जोनल काउंसिल मीटिंग ऑफ द साउथ इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एट दी कोवालम हियर, अमित शाह ने ये चीज़ पूछी है कि नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, सो दैट इज कॉल्ड द NCORD, ओके, NCORD ऑफ इफेक्टिवली टेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ द नार्कोटिक्स। तो यहाँ पर NCORD जो है वो उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो इश्यू है वो है तो है क्या, ठीक है। सो ड्रग मैन्स इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ये है हमारा प्यारा सा भारत, सो दैट इज़ अ पर्टिकुलर इंडिया, ठीक है। मैप में यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा सा भारत। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत के वेस्टर्न पोर्शन के अंदर यहाँ पर आता है अफगानिस्तान, ईरान आता है और पाकिस्तान आता है। ईस्ट में अगर देखा जाए तो यहां पर आता है म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे कंट्रीज है, यहां पर अफीम की खेती जो है
काफ़ी हद तक की जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, वहाँ पर भी, और साथ ही साथ ईस्टर्न पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड के अंदर भी अफीम की खेती काफ़ी हद तक की जाती है, और भारत बीच में आता है, ठीक है। और भारत जो है ये दोनों पोर्शन के बीच में हमारा प्यारा सा भारत आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई जो है, पैसे कमाने की जो लालच है, उसकी वजह से भी यहाँ पर यूथ को बिगाड़ने का जो प्लान बनाया गया है विदेशी ताकतों के थ्रू, ठीक है, तो ये बीच में आने की वजह से सप्लाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इसके लिए यहाँ पर अमित शाह जी ने इसको कंट्रोलिंग करने की बात की है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको ये जाननी है कि गोल्डन क्रिसेंट क्या है, ठीक है। तो गोल्डन क्रिसेंट ये है जिसके अंदर ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है और पाकिस्तान आता है। तो आप लोगों को कंट्रीज़ पूछे जा सकते हैं कि गोल्डन क्रिसेंट के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द गोल्डन ट्राइंगल, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि म्यांमार जो है, लाओस जो है, और वियतनाम और थाईलैंड, ये गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो द मैन of drug addiction has spread fast among the youth of India. आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी काफी हद तक अभी ड्रग एडिक्शन की जो तादाद है, काफी एडिक्ट की जो तादाद है, काफी तक बढ़ चुकी है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। भारत के अल्टीमेटली इंडिया का फ्यूचर यूथ ही है। यूथ को अगर बिगाड़ेंगे, ठीक है, या यूथ को अगर सुधारेंगे, ठीक है, तो ही हमारा भारत आगे जा सकता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर यूथ को बिगाड़ने का पूरा प्लान किया गया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग वन। ओके, इंडिया इज सैंडविच बिटवीन द टू लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन, जैसे मैंने कहा गोल्डन क्रिसेंट एंड द गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस आते हैं, और गोल्डन क्रिसेंट के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अभी यहाँ पर मैं बात करूँ कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो ड्रग पाई गई है, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स ने उसको पकड़ कर रखा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली है इंडिया के अंदर? तो दिल्ली नोएडा के अंदर सबसे ज़्यादा मिली है, कॉलेज के आसपास के इलाकों में, गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, जहां पर पोर्ट है, बंदरगाह है, पोरबंदर जो है वहाँ पर भी बंदरगाह है, वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सामान आते जाते रहते हैं, तो स्मगलिंग का यहाँ पर सामान मिला है, ठीक है, इंडिया के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं नवी मुंबई, सो दैट इज़ ऑल्सो ए पोर्ट, बंदरगाह है, यहाँ पर नवी मुंबई के अंदर जो ये शिवा पोर्ट है, वहाँ पर भी काफ़ी तक स्मगलिंग का सामान आता जाता रहता है। इसके लिए यहाँ पर आपको समझ में आ सकता है कि जो जो कोस्टल इलाके हैं, ठीक है, कोस्टल पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग का सामान आता रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दोनों गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल के बीच में सैंडविच है, और यहाँ से अफगानिस्तान से पंजाब के थ्रू आता है, पाकिस्तान से भी पंजाब के थ्रू आता है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अभी बात करते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं वो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो दैट इज़ अ ब्राउन वन, ओके, यहाँ पर वाइट वन जो इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भारत ने इसके बारे में जो रिपोर्ट निकाली है 2019 की तौर पर, ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है किसने रिलीज़ की है, ये चीज़ याद रखिएगा, एम्स ने रिलीज़ की है, ऑल इंडिया, ओके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने 2019 में एक रिपोर्ट एस्टैब्लिश की है, रिलीज़ की है, अल्कोहल इज़ द मोस्ट एब्यूज सब्सटेंस इन द इस पर्टिकुलर इंडिया। भारत के अंदर अगर मैं बात करूँ, सो पंजाब जो है, आसाम जो है, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश, इन सभी स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ड्रग्स पाई जाती है, ये रिपोर्ट ने एस्टिमेट किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 8.5 लाख पीपल हु इंजेक्टेड द ड्रग्स, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहां पर एस्टिमेट डिक्लेयर किया गया है 5 करोड़ इंडियंस जो है कि रिपोर्ट के हिसाब से ये कैनबिस एंड ओपेड्स एट द टाइम ऑफ द सर्वे, ठीक है, यहां पर उसको यूज किया गया है, ठीक है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर टेकिंग टू द अल्कोहल कंजप्शन एंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु आर एडिक्टेड टू अल्कोहल आर इन द पंजाब रीजन,
फॉलोड बाय दी वेस्ट बंगाल एंड दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है पंजाब के अंदर, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ड्रग्स जो है इस्तेमाल की जाती है, उसका कंजम की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। अब अगर बात करें उसके इम्पैक्ट के बारे में, सो अगर हम लोग ड्रग्स लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हाई रिस्क से गुजरना पड़ेगा, यहाँ पर इंजरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का एक मुख्य रीज़न है कि हाँ, घरेलू हत्या, जहाँ पर ये एक मुख्य रीज़न माना जाता है, आईएमपी रीज़न माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेशन का। मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, डेथ हो सकती है ड्रग्स लेने की। ज़्यादा अगर ड्रग लेंगे या ड्रग के आप एडिक्ट हो गए तो भी आपकी डेथ हो सकती है। इकोनॉमिकली, जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है तो पैसा देना ही होगा, तो यहाँ पर ड्रग फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट के अंदर उसकी जो वैल्यूज़ है काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसको एडिक्शन है तो वो कहीं ना कहीं से इस पैसों का इंतज़ाम कर यहाँ पर वो ड्रग परचेस करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हद तक वेस्ट होने को मिल रहा है। यहाँ पर कई लोग पैसे उधार लेकर, ब्याज के लेकर भी यहाँ पर कई लोग जो है वो ड्रग्स खरीदते हैं, तो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है, ठीक है। ड्रग्स जो है सीरियसली अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, आपकी सिक्योरिटी को, आपके मन की शांति को और आपके पर्सनल डेवलपमेंट को, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ डिसीज हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं डिसीज, जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये काफ़ी हद तक आपको हो सकते हैं अगर आपने ड्रग को कंज्यूम किया तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ड्रग की जो भी डिपेंडेंट लोग है, ठीक है, उसकी सेल्फ इस्टीम लो होगी, होपलेसनेस होगा, ठीक है। क्रिमिनल एक्शंस के तौर पर वो अट्रैक्ट होंगे और सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखें, एज एन टीचर आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो भारत के अंदर जो लीगल ड्रग बिकता है, सो दैट इज कॉल्ड द तंबाकू, जिसको हम लोग कहते हैं टोबैको, ठीक है। तो ये चीज है जो लीगली अवेलेबल किया जा सकता है ड्रग, यहाँ पर उसकी मार्केट जो है काफ़ी तक अच्छी है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। बाद में दूसरी चीज़ कही जा सकती है कि लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है। ऐसे कोई सेंटर्स इतने नहीं हैं, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो एनजीओ तो है पर इतने सारे नहीं है कि इसके रिगार्डिंग जो है आपको ये पूरी की पूरी अवेयरनेस फैला सके। यहाँ पर स्मगलिंग ऑफ द ड्रग्स एक काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि पंजाब के अंदर, आसाम, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ही कैसे ड्रग्स स्मगल हो सकता है, ठीक है। तो नेबर कंट्री के थ्रू बॉर्डर के पास से यहाँ पर जो है हमारे इंडिया के अंदर कई ऐसे जो सिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई ऐसे स्टेट्स है, वहाँ पर जो है स्मगलिंग किया जा सकता है और स्मगलिंग होता है। तो यहाँ पर उसमें ये एक चैलेंजेस है कि हम लोगों को कंट्रोल करना होगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, सो दैट इज अबाउट द NCORD, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, NCORD, ओके। सो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर जो 2016 के अंदर नवंबर के अंदर एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, जिसका और इस स्कीम के तहत यहाँ पर कहा गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल, ठीक है। तो सेंट्रल के थ्रू स्टेट्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा कि हम अपने नारकोटिक्स कंट्रोल, स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल को अच्छी तरीके से बिल्डअप करें और उसको कंट्रोलिंग अच्छी तरीके से करें, ठीक है। दूसरा एक इनिशिएटिव लिया गया है NCB, सो दैट इज कॉल्ड द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी यहां पर फंड प्रोवाइड करेगा ऐसे नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो कौन से सॉफ्टवेयर जो है कि यहां पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सीजियर इंफॉर्मेशन जिसको कहा जा सकता है, ऐसी मिल सकती है कि ड्रग कहां से कहां जा रहा है, कितने टाइम में मिलेगा, कितनी क्वांटिटी के अंदर मिलेगा, इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो जाए और वहां पर डायरेक्ट कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये एक ऑनलाइन डेटाबेस प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ यहां पर जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन के बारे में, सो दैट इज कॉल्ड द SIMS, ओके, सीजियर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम,
जो क्रिएट करेगी ड्रग ऑफेंसेस एंड ऑफेंडर्स को, जो खरीदता है और जो बेचता है उसके बारे में एक ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द एनडीपीएस, ओके एनडीपीएस। सो द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। यहाँ पर जो भी पर्सन इसको प्रोड्यूस करता है, जो पजेस करता है, जो सेल करता है उसका, जो भी परचेस करता है, जो उसका ट्रांसपोर्ट करता है ड्रग का, बाद में कई तरीके के ड्रग आते हैं तो उसकी शॉर्टिंग करता है कि ये ब्राउन है, ये वाइट है, ये वाइट शुगर है, ठीक है। तो इस तरीके की जो सारी की सारी जो प्रोसेस है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीसी 1985, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। दूसरा जो आर्टिकल निकल कर आता है वो है फ्लाइट टेस्ट ऑफ LCA MK2 टू बी कंप्लीटेड बाय 2027, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझो कि ये जो टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, साथ ही साथ GS पेपर 3, ठीक है, टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। GS पेपर 3 टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है दिस पर्टिकुलर आर्टिकल LCA MK2, सो फाइट टेस्ट ऑफ द LCA MK2 एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज बिलोंग टू द डिफेंस टेक्नोलॉजी ओवर हियर, ओके। तो अभी LCA MK2 एक्चुअली है क्या, यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि 9,000 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाएगा। और यहाँ पर एक पहली कैटेगरी थी MK1, ठीक है, तो MK1 से दुगनी जो उसकी ताकत है वो किसकी होगी? MK2 की, ठीक है। सो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS सैंक्शनिंग द डेवलपमेंट ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, ओके LCA MK2 a bigger and more capable fighter than the present one, the defense research and development organization DRDO। दोस्तों DRDO से कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखिएगा। इन्होंने अप्रूव कर दिया है, इन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है कहा गया है कि 2027 तक हम लोग अच्छी तरीके से डिफेंस ऑफिशियल्स के थ्रू यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को विथ रिस्पेक्ट टू दी टेस्टिंग ऑल्सो, फ्लाइट टेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। सो LCMK2 विल बी अ हैवियर एंड मच मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट दैन द करंट LCA वेरियंट्स एंड LCMK1A दैट scheduled to be delivered to Indian Air Force by early 2024, 83 of which have been contracted under 48,000 crore deal with the Hindustan Aeronautics Limited, ठीक है, HAL के थ्रू इसकी डील की गई है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट जो है अगर मैं कंपेयर करूं कि LCA MK1 के साथ, ठीक है, तो MK1 की जो कैपेसिटी थी वो 3500 किलोग्राम उठाने की थी, पर यहाँ पर ये चीज़ समझो कि LCA MK2 की कैपेसिटी अभी दुगनी हो चुकी है 6500 किलोग्राम की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, जिसके अंदर कौन कौन सी सिस्टम्स होगी। फीचर्स के बारे में अगर बात करूँ तो ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगी, जो काफ़ी हद तक यहाँ पर पायलट्स को और उसके क्रू मेंबर्स को यहाँ पर सहूलियत प्रोवाइड करेगी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार इसकी कैपेबिलिटी जो है अच्छी तरीके से बनाई गई है और बाद में इंडियन एयरफोर्स को ये सौंपा जाएगा। सो दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल LCA MK2, ठीक है। तो यहां पर आप उसका फोटो आराम से देख सकते हैं, सो दैट इज अवर इंडियन एयरफोर्स ओवर हियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक जो आर्टिकल आया है दोस्तों हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, दैट इज अबाउट द नालसा। तो सबसे पहले आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। सो नालसा, ओके, यस, उसके नीचे ही है, जस्टिस चंद्राचूड इज अ न्यू हेड ऑफ द नालसा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैज अपॉइंटेड जस्टिस डीवाई चंद्राचूड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सो दैट इज द नालसा, ऑन द फ्राइडे द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सेड इन अ नोटिफिकेशन ओवर हियर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज याद रखो कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट साहिबा है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, अभी ही इलेक्शन हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर नालसा के लिए किसको चुना है, डीवाई सर को चुना है। यहाँ पर जो पहले जो अथॉरिटी के ऊपर थे वो थे उदय उमेश ललित जी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अभी यहाँ पर जस्टिस चंद्राचूड टेक दिस पर्टिकुलर पोजिशन ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर आप उसका फोटो देख सकते हैं। नालसा के बारे में बात करते हैं,
सो नालसा एक्चुअली है क्या? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो फ्री में यहाँ पर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर समझो कि कोई किसी के पास वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाने का पैसा नहीं है, या यहाँ पर लॉयर हायर करने का कोई पैसा है नहीं, अगर आपको जस्टिस चाहिए, अगर यहाँ पर समझो कि सुप्रीम कोर्ट तक भी आपको अगर नहीं जाना है, तो उसका लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज़ कॉल्ड द ADR, ठीक है। तो नालसा जो है उसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसका फाउंडेशन दोस्तों हुआ था 1995 के दौरान, ठीक है, रिगार्डिंग दी लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, जो मॉनिटर करेगा, रिव्यू करेगा कि इफेक्टिव लीगल एड्स क्या है, उसके प्रोग्राम क्या है, हाउ टू डेवलप दिस पर्टिकुलर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ओवर हियर टू प्रोवाइड द लीगल सर्विस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओवर हियर, ठीक है। सो यहां पर आप लोगों को ये चीज समझनी है कि नालसा जो है ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये उसके ऑब्जेक्टिव है, ये उसको फुलफिल करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट्स फंडिंग एंड ग्रांट्स टू स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव लीगल एड्स systems and initiatives। तो कहने का मतलब यह है कि नालसा का अल्टीमेटली मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आपको लीगल सर्विस चाहिए, चाहे आप NGO हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आप कोई इंडिविजुअल हो, तो नालसा आपकी हेल्प कर सकता है और यहां पर उसकी लीगल एड्स प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये GS पेपर 2 से बिलोंग करता है, ठीक है, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जस्टिस से बिलोंग करता है, सोशल जस्टिस से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। लेट अस डिस्कस अबाउट दी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर फ्री एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करता है, लीगल अवेयरनेस जो है यहाँ पर आपको बताता है कि कौन कौन से ऐसे कायदे और कानून है, ठीक है, जिसका आप अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं फॉर द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताता है। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कि ADR, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सो दैट इज कॉल्ड द ADR। तो एक्चुअली ADR दोस्तों है क्या, ये मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझो कि एक पार्टी ए है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन ए है, उसकी उसका डिस्प्यूट है पर्सन बी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जा रहे हैं, समझ लो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ पर कुछ समाधान कराओ, हम यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज कराओ। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले एक दूसरा ऑप्शन है, सो दैट इज कॉल्ड दी ADR, ठीक है। ADR क्या कराता है, इन दोनों के बीच में मध्यस्थी करवाता है, ये दोनों के बीच में क्या करवाता है, कॉपरेशन, यहाँ पर समाधान करवाता है। और यहाँ पर ADR जो है वो इस तरीके से काम करता है कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग द सेटलमेंट थ्रू दी लोक अदालत एंड मीडिएटेशन, ठीक है। तो एक मीडिएटर के तौर पर ये काम करता है। तो ये चीज़ आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एक अल्टरनेटिव है सुप्रीम कोर्ट का, सो दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR। गाइस, दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस टॉपिक, ओके। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। और यहां पर विक्टिम्स को, ठीक है, कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर समझनी है, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट वन कि ये जो लीगल सर्विसेज जो है नालसा किस किस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेशनल लेवल पर भी प्रोवाइड हो सकती है, स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, तालुका, इवन तालुका लेवल, सब डिविजन लेवल पर भी आप लोगों को फ्री लीगल एडवाइस एंड सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड होगी ही होगी, ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी है। साथ ही साथ हु इज एलिजिबल फॉर गेटिंग द फ्री लीगल सर्विस, कौन फ्री एलिजिबिलिटी इसकी पा सकता है या फ्री लीगल सर्विस कौन पा सकता है, तो महिलाएं हैं, चिल्ड्रंस हैं, यहाँ पर SC ST के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्राफ्ट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कोई भी ऐसी जो मुश्किलात के अंदर जो भी विक्टिम है, ठीक है, जैसे कि कोई डिजास्टर आ गया उसके ये विक्टिम है, कुछ उसका प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वायलेशन हुआ है समझ लो, ठीक है, घरेलू हत्या या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसमें ये लीगल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लड आया, घर तबाह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर विक्टिम्स की बहुत काफ़ी अच्छा नुकसान हो हुआ है, तो उसकी मदद करता है। अर्थक्वेक में आप लोगों को पता होगा गुजरात के कच्छ रीजन के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, ठीक है,
तो उस अर्थक्वेक के अंदर यहाँ पर नालसा ने काफ़ी हद तक हेल्प की थी कई लोगों को, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट में सपोज काम किया है, ठीक है, तो अगर कुछ भी अनइवन हुआ तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी को, ह्यूमंस को, तो भी लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन जो है उसको ये सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। जो पर्सन इवन केस स्टडी के कस्टडी के अंदर है, सॉरी कस्टडी के अंदर है, उसको भी ये सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है रिगार्डिंग दी राइट टू फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट वन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही आर्टिकल्स हैं। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट लेट अस आस्क वन क्वेश्चन। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी, ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उस कितने नंबर के भारत के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि प्रेसिडेंट साहिबा जो है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, ये कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्रेसिडेंट के हिसाब से इंडियन पॉलिटी के अंदर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट के साथ लगते हैं रिगार्डिंग दी इमरजेंसी, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था ऑनलाइन लेक्चर एज वेल एज इन दी ऑफलाइन लेक्चर में कि इमरजेंसी कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट साहब ही लगा सकते हैं, ठीक है, पर कौन से आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ दो आप लोगों को क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड बाय बाय, टेक केयर।